नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल कुकिंग विद शेफ आसू में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ उत्तराखंड की ओर। आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की एक बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और बहुत ही पॉपुलर डिश छंछिया और साथ में हरा नमक। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी झंगोरा या झुंगरियाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूर्धन, समा या सामक के चावल। इन्हें अच्छे से कम 1 घंटे तक भिगा लेंगे। बस अब एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे भीगे हुए झुंगरियाल और अब मिलाएंगे उसमें 1 लीटर मट्ठा यानि छाछ, और इंग्लिश में कहें तो बटर मिल्क। बस अब बटर मिल्क और झुंगरियाल को अच्छे से पकाना है और इसे लगातार चलाते रहना है। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो जो छाछ है वो फट जाएगी और जो झुंगरियाल है उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। छंछिया और साथ में हो हरा नमक तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए, जब तक छंछिया हमारा उबलता है तब तक बनाते हैं हम हरा नमक। यहाँ पर मैंने लिए हैं 18 से 20 फलियाँ लहसुन, 6 से 7 हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, धनिया और ढेर सारा नमक। बस अब एक सिलबट्टा लेंगे और इन सभी को सिलबट्टे में अच्छी तरह से पीस लेंगे। दोस्तों, इन सब को पीसने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सच मानिए जो मज़ा सिलबट्टे में आता है वो मज़ा आपको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं मिलेगा। मिलाएंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा और अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो तैयार हो गया हमारा बनके हरा नमक। देखिए, छंछिया भी हमारा उबलकर अब तैयार हो गया है। अब इसे ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ना, इसमें धीरे धीरे गाढ़ापन आता रहेगा। दोस्तों, बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन नहीं आ जाता। तो ये देखिए, बनकर तैयार हो गया हमारा छंछिया। और अब मिलाएंगे इसमें हम ऊपर से हरा पिसा हुआ नमक। और सच मानिए, छंछिया और हरा नमक खाने का मज़ा दोगुना कर देता है। दोस्तों, अगर आपको मीठा पसंद है तो हरे नमक की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपने सुझाव मुझ तक ज़रूर भेजें। थैंक यू।